Hey everyone, मैं हूं ज्योति जसनदगल. Thank you so much for stopping by. So we all know the importance of a sunscreen and spite of that, हम में से काफी लोग sunscreen नहीं लगाते हैं. मैं भी नहीं लगाती कभी-कभी क्योंकि कभी-कभी lazy feel करते हैं, कभी-कभी भूल जाते हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार इतनी गर्मी में कौन एक और चीज से अपनी स्किन को लेयर करे, चिपचिपा करे, ऑयली करे एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. तो इससे निपटने के लिए रिसेंटली तो नहीं कहेंगे, 4-5 महीने के ऊपर हो गया, लैक्मे ने लॉन्च किया अपना ये सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट पाउडर. बेसिकली ये है एक कॉम्पैक्ट पाउडर जिसमें है सनस्क्रीन, क्योंकि इसमें है SPF 40 PA++++ जो कि आपको UVA और UVB रेस से प्रोटेक्शन देगा. तो आज की वीडियो में मैं इसी का रिव्यू करूंगी और डेमो करूंगी आप सबके लिए. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो कहीं भी यूजफुल लगा, ऑनेस्ट लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर करेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना है यहाँ से, ताकि आगे से मेरी किसी वीडियो को ना मिस करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की. तो ये कॉम्पैक्ट आता है 210 रुपीज का, जिसमें आपको मिलते हैं 7 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, जो कि मैं कहूंगी कि अफोर्डेबल है. और अगर मैं इसके अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो लैक्मे में तो हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ब्यूटी स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर, इवन फार्मेसी में भी. तो ये आपको बहुत ही इजिली मिल जाएगा. इसका ऑनलाइन परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन चेक इट. पैकेजिंग की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल समर थीम पे ही है इनकी पैकेजिंग, ऑरेंजिश येलोइश पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छा लगता है, ब्राइट पॉप ऑफ कलर. और सारी इन्फॉर्मेशन इस आउटर कार्टन पे दी हुई है और इसे हम इस तरीके से ओपन करते हैं तो अंदर है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर कुछ इस तरीके से. और इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे मिलता है ये एक मिरर और ये है एप्लीकेटर, ये यहाँ पे एक प्लास्टिक का शीट है और ये है कॉम्पैक्ट पाउडर. मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इनका एप्लीकेटर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये अच्छे से अप्लाई नहीं होता है, काफ़ी प्रोडक्ट को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो मुझे एप्लीकेटर पसंद नहीं है. इसे लगाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ मेरा 9 to 5 जो कॉम्पैक्ट लैक्मे का उसका एप्लीकेटर या फिर एक पाउडर ब्रश. तो आइए देख लेते हैं कि लैक्मे इस कॉम्पैक्ट पाउडर के बारे में क्या कहता है. तो लैक्मे का कहना है कि ये जो है आपके स्किन को मैट लुक देगा और आपके स्किन को कवरेज देगा, साथ ही साथ में इसमें जो एस पी एफ 40 है वो आपको UVB रेस से बचाएगा और जो PA++++ है वो आपको UVA रेस से बचाएगा. नॉन स्टिकी है और यूनिवर्सल शेड है. इनका कहना है कि एक यूनिवर्सल शेड है, इसमें और शेड्स नहीं आते हैं, सिर्फ एक शेड आता है जो कि सारी स्किन टोन्स को सूट करेगा और ये सारी स्किन टाइप्स को भी सूट करेगा. तो हम आगे देखेंगे कि अपने क्लेम्स पे कितने खरे उतरे. तो आइए अब हम देख लेते हैं इसका स्वॉच और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका डेमो अपने फेस पे लगा के. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कलर लाइट है, एग्जैक्टली ये मेरा ही स्किन शेड है और थोड़ा सा मैंने ब्लेंड किया तो बहुत ही अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो गया है और बहुत ही यू नो फाइन और स्मूद है, लाइक स्किन के टेक्सचर को ये उभारेगा नहीं, तो ये अच्छी चीज़ है. बट अगर मैं इसकी स्मेल की बात करूँ तो स्मेल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और मुझे नहीं अच्छी लगती है और काफ़ी देर तक ये फेस पे रहती है. ओके, सो राइट नाउ मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर और लिपस्टिक लगाई है, नथिंग एल्स. तो अब मैं अपने हाफ फेस पे ये कॉम्पैक्ट लगाऊंगी और हम देखेंगे कि ये क्या कवरेज वगैरह देता है और ब्लेमिशेस वगैरह को कितना हाइड करता है, फेस पे वाइट कास्ट वगैरह देता है या नहीं. तो इसमें मिरर दिया हुआ है सो इट्स ईजी. और जैसे कि मैंने पहले बताया, मुझे इसका एप्लीकेटर अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये काफ़ी प्रोडक्ट अब्सॉर्ब कर लेता है. सो मैं अपने हाफ फेस पे इसको लगा रही हूँ. इट इज एग्जैक्टली माई शेड, मेरे फेस को, मेरे फेस शेड को ये काफी अच्छे से मैच कर रहा है. ओके, तो जैसा मैं मिरर में देख सकती हूं, जहां जितने हाफ फेस पे मैंने इस कॉम्पैक्ट को अप्लाई किया था उतना फेस मेरा ब्राइट हो गया है. और अगर कवरेज की बात करूं तो मैं डार्क सर्कल्स को इसने बहुत थोड़ा सा हाइड किया है और जो ब्लेमिशेस हैं इधर पिंपल्स के उसे भी बहुत ही हल्का सा इसने हाइड किया है, दिखाई दे रहे हैं, बट थोड़ा स्किन मेरी ब्राइट लग रही है और ये एग्जैक्टली मेरा शेड है तो मुझे तो काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है. बट मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी स्किन टोन मुझसे डार्क है, मीडियम है, मीडियम डार्क या डार्क स्किन टोन है, उनके ऊपर ये व्हाइट कास्ट छोड़ेगा और ये शेड सारी स्किन टोन्स को सूट नहीं करेगा. और अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो काफ़ी स्मूथ टेक्सचर है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है तो ब्लेंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये स्किन को इंस्टेंटली मैट फिनिश देता है. इस साइड जो भी थोड़ा बहुत ऑयल था, जो भी शाइननेस थी मेरे स्किन पे, वो उसने अब्सॉर्ब कर लिया और स्किन को इंस्टेंटली मैट फिनिश दी.
So, आपने देख लिया कि ये स्किन पे कैसा परफॉर्म करती है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पहले बात करते हैं कि स्किन से ऑयल को कितने देर तक कंट्रोल करती है। तो 3 से 4 घंटे तक ऑयल को कंट्रोल करती है, मैट लुक देती है। उसके बाद मेरी टी जोन ऑयली होती है और मुझे इसे रीअप्लाई करना पड़ता है। पैक पे भी लिखा हुआ है कि आपको इसको एवरी 3 to 4 आवर रीअप्लाई करना है, जैसे आप अपने सनस्क्रीन को करते हैं, और घर के बाहर निकलने के 20 मिनट पहले आपको इसे अप्लाई करना है, जैसे कि आप एक सनस्क्रीन को करते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसे आप अपने सनस्क्रीन का सब्स्टिट्यूट मत बनाइए, क्योंकि ये एक मेकअप प्रोडक्ट है और सनस्क्रीन एक स्किन केयर प्रोडक्ट है। कभी कभी चलता है जब आपका मन नहीं है, इट्स वेरी हॉट, आप इसको अप्लाई करिए, बट सनस्क्रीन का सब्स्टिट्यूट मत बनाइए। बाकी मुझे इन्होंने लिखा है कि सारे स्किन टाइप्स को सूट करेगा, बट आई फील कि ये ड्राई स्किन या एक्सट्रीमली ड्राई स्किन को सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये मैट लुक देता है और ड्राई स्किन वालों के स्किन के टेक्सचर को ये और उभार सकता है, थोड़ा बहुत ड्राई और पैची बना सकता है। तो ये नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए सही है, बट आई फील कि ड्राई स्किन को सूट नहीं करेगा। बाकी जिन्हें मेकअप करना पसंद नहीं है बट वो थोड़ी बहुत कवरेज चाहते हैं अपने एवरीडे लुक में, वो इसको ट्राई कर सकते हैं। बट अगेन शेड वाली प्रॉब्लम आ जाती है, जिनकी स्किन शेड मीडियम टू डार्क और डार्क है उनको ये सूट नहीं करेगा, व्हाइट कास्ट देगा। सो अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी तरफ से इस कॉम्पैक्ट पाउडर को ये है या नहीं है, तो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए यार इट इज़ अफोर्डेबल, एवरीडे लुक के लिए अच्छा है, कवरेज देता है, एवरीथिंग इज फाइन, बट शेड सिर्फ एक ही है, इट्स अ बमर। और ये वीडियो जो है वो बहुत सारे शेड के लोग देख रहे हैं, मेरी स्किन टोन वाले, मुझसे लाइट, मुझसे डार्क, मीडियम, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और ये एक शेड यूनिवर्सली फ्लैटरिंग शेड नहीं है। तो जब तक कि लैक्मे इसमें और शेड्स लॉन्च नहीं करता है, तब तक के लिए मेरी तरफ से इस कॉम्पैक्ट पाउडर को नहीं है। सो यार ये था मेरा रिव्यू लैक्मे के सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए। अगर आपको मेरा रिव्यू यूजफुल लगा है, ऑनेस्ट लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, नीचे कॉमेंट करेगा कि आपको क्या अच्छा लगा है आज के वीडियो में या क्या नहीं अच्छा लगा है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही यहाँ से जाइएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर।